ओके, तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो किसी भी मैसेज को आसानी से कन्वे कर पाते हैं आर्ट और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राफिक डिज़ाइनर क्या और कैसा काम करते हैं, किस तरह की स्किल सेट्स को या फिर सॉफ्टवेयर को हमें सीखने की ज़रूरत है अगर आप और हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, किस तरह की डिग्री या फिर सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत है, और आफ्टर आर्ट डिग्री और सर्टिफिकेट्स हमें कहाँ पे जॉब मिल सकती है, लाइक किन किन बिजनेस सेक्टर्स में हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इवन हमारी सैलरी रेंज भी क्या हो सकती है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपको बेसिक आइडिया तो जरूर होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर का आखिर काम क्या होता है, फिर भी मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर वो बंदा होता है जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके आइडिया के साथ अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए उसको एक इमेज की फॉर्म में उसका कंटेंट रेडी करके दे, राइट? अब उसका कंटेंट या फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है उसको लोगो बनवाना हो उसके ब्रांड के लिए, ठीक है, विजिटिंग कार्ड बनवाना हो, पैम्पलेट्स डिज़ाइन करवाने हो सकता है सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो कोई बैनर डिज़ाइन करवाना हो, राइट? अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा और देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है तो उसका ब्लूप्रिंट रेडी करवा सकता है, ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि एप्लीकेशन कैसे दिखेगी उसका डिज़ाइन रेडी हो गया। वेबसाइट बनवानी है फॉर एग्जांपल तो वेबसाइट का ब्लूप्रिंट रेडी करवा लिया कि वेबसाइट आखिर कैसे दिखने वाली है, राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स इस तरह का काम करते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको किस तरह के स्किल्स या फिर सॉफ्टवेयर को सीखने की ज़रूरत है। अगर स्किल्स की बात करूँ तो सबसे नंबर वन बात तो आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट वाले नहीं हैं तो टू बी ऑनेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए नहीं है, आप कोई और काम देखिए। ओके, अब देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो एक तो नंबर वन बेसिक सॉफ्टवेयर जो कि हर कोई यूज़ करता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए वो है अडोबे फोटोशॉप। सेकेंड नंबर पर आता है अडोबे इलस्ट्रेटर। थर्ड नंबर पर है अडोबे इन डिज़ाइन एंड फोर्थ नंबर पर है कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार ही सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, ठीक है, पर बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं फोटोशॉप के साथ, ठीक है। फोटोशॉप में अब आप जनरली जो काम करते हैं वो इमेजेस वगैरह के साथ एडिटिंग का काम करते हैं, ठीक है, इमेजेस के साथ कोई इफेक्ट वगैरह लगाना हो, कोई बैकग्राउंड चेंज करना हो वगैरह वगैरह। इलस्ट्रेशन के अंदर आप थोड़ा एडवांस काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे ये लड़की की फोटो, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ वेक्टर इमेज है, कार्टून टाइप की इमेज, ठीक है, तो इसमें एक लड़की को बिठा दिया, उसके पास लैपटॉप वगैरह रख दिया, तो ये इस तरह की इमेजेस जो होती हैं वो इलस्ट्रेटर में बनती है, ठीक है। और एक डिफरेंस ये रहता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में कि जो फोटोशॉप में जो फाइल का साइज़ होता है, सॉरी फाइल की लेंथ वगैरह होती है, जो रिजोल्यूशन होता है वो फिक्स है, अगर आप उस रिजोल्यूशन से थोड़ा सा भी उसको एक्सटेंड करेंगे तो इमेज फटने लग जाएगी। इलस्ट्रेटर में काम करने का प्लस पॉइंट यही है कि इमेज साइज़ कुछ भी हो मैटर ही नहीं करता, आप उसको जितना चाहें एक्सपैंड कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है और भी, अगर मान लीजिए आपकी इन दोनों में कमांड हो जाती है तो फिर आप आगे के सॉफ्टवेयर्स में जा सकते हैं, अडोबे इन डिज़ाइन या फिर कोरल ड्रॉ वगैरह। ओके, अब बात आती है कि इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कहाँ से करें या फिर कैसे लें, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि सारे सॉफ्टवेयर पेड हैं, ठीक है, आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इनके प्लान्स दिख जाएंगे, इंडिविजुअल के भी प्लान्स हैं, बिजनेस के भी प्लान्स हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के भी प्लान है, और स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल के भी प्लान है। ओके, अब नो डाउट कॉस्टली है तो आप देख लीजिए अगर आपको परचेज करना है क्या नहीं करना। ओके, उसके अलावा यार जुगाड़ तो नहीं मिलता ही है, गूगल पे आप सर्च कीजिए कि कैसे इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। ओके, कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, पेड है तो अगर फुल्ली करियर बनाना है इस पे, तो एक बार के लिए कुछ पैसा लगा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स को काम कहाँ से और कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो देखो यार, काम करने के वही बेसिक स्टैंडर्ड तरीके हैं, एक या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और दूसरा आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फ्रीलांसिंग के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्रीलांसिंग के, उन पे चाहें तो साइन अप कर लीजिए, मैंने बहुत बार अपनी पहले वीडियोस में बताया, आप चाहें तो उन पे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड तरीका वही स्टैंडर्ड जॉब के लिए अप्लाई करना। अब जॉब के लिए क्या रहता है कि यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज में भी ना ग्राफिक डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट आईटी कंपनीज में होगी, नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट बिजनेस हो गया, टेलीविजन इंडस्ट्री, एमएनसीज हो गई, पब्लिशिंग हाउस, मल्टीमीडिया कंपनीज हो गई, एड एजेंसीज हो गई, राइट, फिर वेब डिज़ाइनिंग कंपनीज तो है ही। ओके, मार्केटिंग फर्म्स हो गई, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग फर्म्स हो गई, बेसिकली जो मैंने स्टार्ट में सॉफ्टवेयर बताया कोरल ड्रो बेसिकली प्रिंटिंग और पब्लिशिंग फर्म्स में यूज़ होता है। फिर डिज़ाइन स्टूडियोज़ में आप काम कर सकते हैं, कमर्शियल पैकेजिंग के जो फर्म्स होती है वहाँ कर सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं खुद का या फिर कहीं कर सकते हैं काम,
टीवी एंड फिल्म कंपनी में भी कर सकते हैं। ओके, तो इतने सारे तो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, और भी हो सकते हैं अगर आप अपने लेवल पे थोड़ा और गूगल करेंगे। ओके, और अगर सैलरी रेंज के बारे में बात करूं तो देखो यार, डिपेंड करता है कि सैलरी आप कहां और किस लेवल पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जूनियर लेवल पे ही हैं, जस्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप छोटी कंपनी में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी सैलरी स्टार्ट में ही लो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरीज बढ़ती जाएगी। और अगर वहीं आप स्टार्ट में ही स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आप तो फिर आपकी सैलरी अराउंड लाइक 15-20 की तो आराम से हो सकती है इन द बिगिनिंग। ओके, फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, डिग्री एंड सर्टिफिकेशन। टू बी ऑनेस्ट यार, सर्टिफिकेशन की कोई खास वैल्यू नहीं रहती जब तक कि वो वेल नॉन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना हो, लाइक अमेजन हो गया, AWS हो गया। ओके, और आई डोंट थिंक कि ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए किसी टाइप का कोई सर्टिफिकेशन देते हों। ओके, मेरे नॉलेज में नहीं है अभी, तो सर्टिफिकेशन की कोई खास वैल्यू नहीं है। पर हाँ, अगर आप इस फील्ड में अपना करियर लॉन्ग टर्म में देखते हैं, लाइक आपको इसी में अपना करियर बनाना है, तो आपको अपने लेवल पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी वैलिड डिग्रीज हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो डिग्री आपको ज़रूर कर लेना चाहिए जब जब आप इसमें लॉन्ग टर्म करियर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 3-4 महीने ही अगर इंटरेस्ट है तो काम कर रहे हैं तो डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन टू से, अगर लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो डिग्रीज भी कर सकते हो आप, पर डिग्री कौन सी करनी है वो भी आपको ही देखना है। मुझे अभी नॉलेज में नहीं है मेरे कि डिग्री कौन सी करनी चाहिए फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये छोटी सी रोडमैप वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस कोई डाउट या फिर किसी भी टाइप का सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड लाइक एक रिकमेंडेशन है, अगर आपका लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आप लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं इसमें, तो ही ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में डिज़ाइनिंग के बारे में सोचेगा। आई मीन टू से, लाइक ऐसा ना हो कि आप क्रिएटिव माइंडसेट के नहीं है फिर भी इस फील्ड के अंदर कूद जाएं तो आप लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। राइट, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में अपडेट्स मिल जाएगी और मुझे भी काइंड ऑफ एक मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि मैं और इस टाइप की यूज़फुल एंड हेल्पफुल वीडियोज़ आगे और बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।